सांस अंदर लेते रहे। अपने फोन इन सब से कुछ संपर्क नहीं होना चाहिए जब तक आप यहाँ बैठे। आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि आपका साथी क्या कर रहा है। आपका कान सिर्फ मेरे आवाज की तरफ हो और आपकी आंखें स्क्रीन पे, सिर्फ ये दोनों चीजें रखनी है। उसके बाद से जब आपको आंख बंद करने के लिए कहते हैं तो आपको आंख बंद करके सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। पर्वतासना में हम कोशिश करते हैं हीट को टच करने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने लगते हैं। हमें अपने हाथ पांव वहीं रखने हैं, उसको हिलाना नहीं है। अगर आपका पेड़ी इस समय जमीन पर नहीं टच कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ पांव को हिलाएं नहीं, वो जहाँ है वहीं रखें। अपने दाएं पांव को बाएं कोहनी पर ले जाए, दाहिने कोहनी को दाहिने घुटने के चार पर लाते हुए और हाथों को क्लैप करें और अपने पैर को जितना हो सके अपने शरीर के पास लाएं। आंखें बंद करें और अपने पाँव को बाएं दाएं हिलाएं झुलाएं, जैसे कि आप एक बच्चे को झुला रहे हैं। इसमें भी आपका सिर सीधा रहना चाहिए, जितना ज़्यादा मूवमेंट हो सके आप इसको दें। दाहिना शरीर का दाहिना हिस्सा बिल्कुल टेंस रहेगा और बाएं बिल्कुल लूज और रिलैक्स रहेगा। बेटा